हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग जा रहे हैं छंदू और एक स्पेशल रीज़न है, और रीज़न क्या है मैं बता ही देती हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड ब्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं होली के सेलिब्रेशन के लिए छंदू। बहुत सारे इंडियन इकट्ठे होंगे और साथ में सेलिब्रेट करेंगे होली, और खूब मज़ा आने वाला है, कलरफुल होने वाली है ये होली, और बहुत सारा डिलीशियस खाना भी वहाँ मिलने वाला है। और ये बच्चों ने कुछ सामान पैक करवाया है क्योंकि अभी हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे छंदू पहुँचने के लिए। तो ये कुछ डोनट्स हैं, कुछ फिंगर फ्राइज हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं और बर्गर भी है। तो सोमे काफ़ी एक्साइटेड है खाने के सामान को लेकर और छंदू जाने को लेकर, और आरवी भी काफ़ी एक्साइटेड है। क्यों आरवी? मैं भी छंदू जा रहा हूं। हाँ, मिमी भी छंदू जा रहा है और डॉक्टर साहब चलाने वाले हैं गाड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं छंदू और सेलिब्रेट करते हैं होली। तो फ्रेंड्स, हो गया है हमारा सफ़र शुरू, और छंदू जाने के बाद वहाँ पे क्या माहौल रहता है, क्या नज़ारा रहता है, और होली पर इंडियन लोग क्या मजे कर रहे हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। मना रहे हैं हम होली चाइना में इंडियन फ्रेंड्स के साथ। क्या डॉक्टर साहब? सही है, डॉक्टर साहब बिजी है, डॉक्टर साहब बिजी है कार चलाने में, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते चलते ऑलमोस्ट 8:30 बज गए हैं, हम सर्विस एरिया पे रुके हुए हैं, और देखिए नज़ारा एकदम, रात हो गई है, बच्चों ने कुछ सामान खरीदा है, वॉशरूम वगैरह जाना था वहाँ गए हैं, और अब वापस निकलेंगे छंदू के। और ये बच्चों ने खरीदा है किंडर जॉय। क्यों मिमी, किंडर जॉय खाने थे को? कई सर्विस एरिया जो हैं बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा शॉप जो है वो थोड़ा छोटा है, और यहाँ पर भी ये कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा है। ये फ्राइड राइस है, और ये आलू वगैरह, और ये सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ये एक छोटा सा सर्विस एरिया का टूर है, और अब चलते हैं बाहर। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग छंदू पहुँच गए हैं, 10-15 मिनट में हम होटल पहुँच जाएंगे। हाई स्पीड ट्रेन गुजरी थी यहाँ से, तो सोमे बता रहा है कि हाई स्पीड ट्रेन, और मैंने पहले देखा, फिर जब सोमे ने बोला हाई स्पीड ट्रेन का गया, वो एक सेकंड भी चल गया। ये आ गया है टोल, और अब टोल से हम अंदर जाएंगे छंदू में। क्यों अरवी? बहुत सारे गेट हैं यहाँ पे, और टोल पे जो है लड़कियां रहती हैं सब, और आराम से काम करती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग रूम के अंदर आ गए हैं। रूम के अंदर आते से ये वॉश बेसिन है, यहाँ पर ये कुछ कैटल वगैरह रखी हुई है, कैटल है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाटर वगैरह है, कॉफ़ी है, टी है, ग्रीन टी और येलो टी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट है, और ये है माइक्रोवेव। तो इस तरीके की कुछ सेटिंग है यहाँ पे, और नीचे वॉशिंग मशीन भी है, यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है। हाँ, और टिश्यू पेपर कितने सुंदर है, और ये जो पूरा रूम है, ये जो पूरा रूम है इसका जो थीम है वो डोरेमोन वाला है। तो दोनों बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं डोरेमोन वाली रूम की सेटिंग देख के। और ये है बाथरूम, जल्दी से हम टूर कर लेते हैं। ये है यहाँ पे 2 बेड, और ये पूरे डोरेमोन के हैं, और इस तरफ है ये अलमीरा, और इधर ये विंडो साइड है, विंडो साइड पर भी यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ है। तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन और माइक्रोवेव, ये सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें तो फ्री हैं, और कुछ चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और ये काफ़ी सुंदर सा फ्लावर है और वास है, तो बच्चे इन चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब थक गए होंगे गाड़ी चलाते चलाते, चलो ठीक है फिर, आरवी मालिश कर रहा है। हाँ, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, कल देखते हैं होली में क्या मज़ा आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आ गए हैं होली मनाने के लिए एक इवेंट में, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन, तो देखते हैं वहाँ पे क्या मज़ा आने वाला है।
वैसे मेरा नाम पूर्वा है और Bye.
होली में खूब धमाल किया, खूब खेले कूदे, नाचे गाए खाए पिए। इंडियन ग्रुप के साथ हमने होली मनाई और खूब मजा आया। 9-10 साल में हमने अपने घर में होली मना रहे थे चाइना में, इस बार पहली बार हम ग्रुप में गए इंडियन में और इट वॉज रियली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, सब कुछ बहुत अच्छा था और मेरी फैमिली ने खूब मजा किया। और अब हम यहाँ पे आए हैं घर वापसी के टाइम पे। ये शॉप में कुछ सर्विस एरिया है, यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और घर वापस जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सर्विस एरिया का एक छोटा सा हम लुक लेते हैं, टूर करते हैं और उसके बाद होली वाले इस ब्लॉग को करते हैं एंड। देखिए फ्रेंड्स, ये है रेस्टोरेंट यहाँ पे, जहाँ पे फर्नीचर काफी सुंदर है और कई सारा चाइनीज खाना है, जाउस है, बाउस है। तो ये यहाँ पर कुछ मैकडोनल्ड्स नहीं है ये, पर मैकडोनल्ड्स जैसे ये यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का सारा सामान मिल रहा है, लाइक बर्गर है और भी चीजें, फिंगर फ्राइज वगैरह सब कुछ है ना। ये आर्मी ने अपने लिए बनवाया है, ये आर्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, होली का शानदार ब्लॉग जो मुझे काफी अच्छा लगा और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। ट्रैवलिंग से शुरू हुआ था ब्लॉग जाते टाइम और वापस जब घर जा रहे तभी इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं खत्म। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय बाय।